दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जिसमें काफी अच्छी रैली बनी हुई है। दरअसल बात कर रहा हूं दोस्तों मैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और करंट में इस स्टॉक का प्राइस लगभग 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इंट्राडे में काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। लास्ट वन डे में अगर हम दोस्तों प्राइस बिहेवियर की बात करें तो लगभग स्ट्रांग प्राइस बिहेवियर यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 डेज में अगर हम दोस्तों चार्ट को रीड करते हैं तो लगभग 180 रुपए से ये रैली मुझे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अभी ये रैली की हुई नहीं है। लास्ट 1 मंथ में दोस्तों अगर हम प्राइस बिहेवियर की बात करें तो लगभग 150 रुपए से यह रैली कंटिन्यू हुई है, और यह रैली अभी और ज्यादा ऊपर अपर सर्किट लगने के इसके पूरे पूरे चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट 6 मंथ में अगर दोस्तों यहां पे हम चार्ट प्राइस को रीड करें तो एक चीज समझ में आता है कि लगभग 150 से यह रैली कंटिन्यू हुई थी। थोड़ा बहुत ये पॉज मोड में जरूर स्टॉक गया था, लेकिन अगेन 150 के ही लेवल से ये स्टॉक में रैली शुरू हुई जो कि अभी कंटिन्यू है। आने वाले टाइम में दोस्तों इसमें आपको और बड़े लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा चीज ये है दोस्तों, इस स्टॉक के साथ प्लस पॉइंट आपको और मिल रहा है डिविडेंड। लगभग 1% के आसपास का डिविडेंड भी इस स्टॉक में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ न्यूज फैक्टर्स हैं और इनको जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पे इंडिया रेन इंडस्ट्री जंप एज ए अपेक्स कोर्ट परमिट्स, इनको एक कोर्ट से परमिट मिली है जो कि हाइजर पेक को इंपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ इनको एक फिलहाल यहां पे परमिट मिली हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे इस स्टॉक के टोटल रिटर्न की। तो दोस्तों यहां पे एक स्ट्रॉन्ग डेटा दिखाई दे रहा है, लास्ट 5 ईयर में लगभग 17% के आसपास का कंसिस्टेंट रिटर्न बना हुआ है, लास्ट 3 ईयर में लगभग 12% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में लगभग 18% के आसपास का रिटर्न, लगभग 6 मंथ में दोस्तों लगभग 30% के आसपास का रिटर्न, लास्ट 3 मंथ में लगभग 40% के आसपास का रिटर्न, लास्ट 1 मंथ में लगभग 34% के आसपास का, लेकिन लास्ट 1 वीक और 1 डे को अगर आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 12% के आसपास का कंसिस्टेंट रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको हमेशा एक डेटा और कंप्लीट डेटा दिखाने का कोशिश इसलिए करता हूँ सो दैट कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिले, और जो भी एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे आप 100% बिलीव कर पाओ, क्योंकि आपको आगे चल के उसमें ट्रेड करना होता है या इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर का डेटा मैंने दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर, समझते हैं कहाँ पे हमको बाइंग एंड सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिल सकता है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए दोस्तों करेंट में मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यह एनालिसिस समझा रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लेवल बाइंग और सेलिंग का, साथ ही साथ स्टॉप लॉस का लेवल पता चल जाए। दोस्तों करंट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही थी, और ये ट्रेंड लाइन लगभग 150 के आसपास था। दोस्तों यहाँ से करंट में एक नीचे सपोर्ट था, और ये सपोर्ट एरिया था करीब करीब 140 रुपये के आसपास, और यहाँ से करंट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अब मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पे पहला टारगेट जो 180 के आसपास था लगभग 180 से 185 का ये हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों हिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो 210 रुपए के ऊपर निकलते ही दोस्तों इसमें करीब करीब 300 और ये 270 और 340 रुपए का लेवल इसमें ओपन हो जाते हैं, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में मिलने की पूरी पूरी संभावना यहां पे मुझे दिखाई दे रही है। देखिए अगर आपकी स्टॉप लॉस की बात करूं दोस्तों तो करेंट में अगर आप यहां पे 200 रुपए के आसपास की खरीदारी करते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता है करीब 185 रुपए के आसपास, जो कि जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आपका बनता है करीब 185 आसपास, और ये जल्दी से यहां पे बीट नहीं कर पाएगा। करंट में दोस्तों 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 210 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें आप लोग इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 270 रुपए का, जो कि आपको यहां से दोस्तों नॉन स्टॉप ये टारगेट मिलने वाला है। 270 के ऊपर निकलते ही दोस्तों यहां पे 340 और लगभग 400 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम इस चार्ट के प्राइस बिहेवियर की बात करें तो देखेंगे लास्ट अगर प्रीवियस डेटा को, तो लगातार इसमें एक रॉकेट
जैसा मोमेंटम इस स्टॉक के प्राइस में बनता हुआ मुझे दिखाई दिया है, ठीक है। और ऐसा ही इस स्टॉक में प्रीवियस देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट सिनेरियो था, उसके बाद एक रॉकेट जैसा मोमेंटम देखने के लिए मिला। अगेन यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फ्लैट मोमेंटम, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये रैली अब कंटिन्यू होती हुई मुझे अगेन दिखाई दे रही है। तो करेंट में दोस्तों यहाँ से आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो। 185 रुपए के स्टॉप लॉस होगा, 270 पहला टारगेट होगा, 340 से 400 दूसरा टारगेट आपका इमीडिएट यहाँ पे ओपन हो रहा है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाने चाहिए। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, चार्ट में कहीं भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल दोस्तों हमेशा मैं जो भी आपको एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ उसमें डेली और वीकली टाइम फ्रेम को मैं यहाँ पे कंसर्न करता हूँ, सो दैट कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस आपको दिखे और एक प्रॉपर एक्यूरेट एनालिसिस आपको मिले, जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले, प्रॉपर आपको एक टारगेट मिले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 185 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना चाहिए। अब हम बात करें दोस्तों इस स्टॉक के टेक्निकल्स की। देखिए हम फंडामेंटल्स चेक कर लिए, न्यूज़ चेक कर लिए, चार्ट के प्राइस बिहेवियर को चेक कर लिए, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स का जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन है, मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी लगभग पॉजिटिव है, ट्रेंड ऑसिलेटर्स भी लगभग स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा है, वोलेटिलिटी भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी दोस्तों 100% बाइंग का रिकमेंड कर रही है। ओवरऑल यहाँ पे टेक्निकल मीटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन बना हुआ है। टेक्निकल अगर ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकल में कहीं भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे चार्ट प्राइस देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट प्राइस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छे ऊपर के टारगेट ओपन हैं। और टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी कहीं भी वीक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर दोस्तों आप रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर से कहीं भी इस स्टॉक के प्राइस में आपको निगेटिविटी देखने के लिए नहीं मिली है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी चल रही है, इस न्यूज़ का बेनिफिट और साथ साथ इस स्टॉक में रैली का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने न्यूज़ दिखाया आपको और उसके बाद मैंने आपको चार्ट के प्राइस बिहेवियर की ओवरऑल एनालिसिस दिया एंड चार्ट भी दिखाया एंड उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट टेक्निकल्स का एनालिसिस करके दिया, सो दैट कि आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिले और साथ ही साथ इस एनालिसिस पे आप लोग लर्निंग और अर्निंग दोनों का बेनिफिट उठा पाओ। अगर आप चाहते हो किसी तरीके से आपको एनालिसिस वीडियोस मिलता रहे तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि जिस भी स्टॉक एनालिसिस मैं पोस्ट करता हूँ उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और उसका बेनिफिट भी दोस्तों सबसे पहले आप उठा सको। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने लर्निंग नहीं किया तो आप अर्निंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जरूरी ये है दोस्तों कि आपको सीखना पड़ेगा। जो भी एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, जो भी स्टॉप लॉस टारगेट्स बताता हूँ, 100 में से 90 टाइम्स वो वर्क करते हैं और इसी तरीके से एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। देखिए दोस्तों जब आप हार्ड वर्क करते हो तो इस तरीके से एनालिसिस और इस तरीके से एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसी तरीके से अगर अपडेट चाहिए तो फिर आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी लाइव पोजीशन उसके साथ साथ जो भी मेरे स्विंग ट्रेड्स होते हैं वो मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट करता रहता हूँ। तो फ्री टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं फिर एक और नए स्टॉक लर्निंग एनालिसिस का। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।